हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और मैं आज आपको ट्रिप माजा में मार्कअप कैसे लगाते हैं ये सिखाने वाला हूं। मार्कअप लगाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, मैं आपको दोनों तीनों प्रोसेसेस शेयर करने वाला हूं। पहले हम ट्रिप माजा में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए मैं अभी डेमो अकाउंट यूज करने वाला हूँ, जिसका कि यूजर आईडी 10x9 है और पासवर्ड 123456 है। हम इस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। और ये ट्रिप माजा के B2B पैनल में हम लॉगिन हो गए। B2B पैनल में लॉगिन होने के बाद हम पहले डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, डैशबोर्ड पे क्लिक करके हम प्री मार्कअप जिसको कहते हैं, मतलब कि सर्च रिजल्ट्स दिखाने से पहले ही हम अपना मार्कअप सेट करना चाहते हैं अगर, तो वो हम प्री मार्कअप से डैशबोर्ड से वो मार्कअप लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मैनेज मार्कअप पे जाते हैं। इसमें ऑलरेडी पहले से कुछ मार्कअप्स लगे हुए हैं, वो मैं डिलीट कर देता हूं और फिर आपको फ्रेश से ऐड करके दिखाता हूं। डिलीट करने के लिए ये मार्कअप को मैंने डिलीट पे क्लिक किया। इसमें आप देख पा रहे हैं कि तीन तरह के मार्कअप हमने क्रिएट किए थे जो हमने अभी डिलीट कर रहे हैं और फिर से हम वो मार्कअप को ऐड करेंगे। मार्कअप क्रिएट करने के लिए आप ये लोअर राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में देख पाएंगे एक प्लस आइकन है, उस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करना है। मार्कअप का विंडो जो खुल गया है उसमें प्रोडक्ट टाइप हम एयर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें फ्लाइट्स पर मार्कअप लगाना है अभी। उसके बाद मार्कअप टाइप है, मार्कअप टाइप में आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल या फिर ऑल, तीनों में से जो भी आप जैसा भी सेटअप करना चाहते हैं वैसे सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल फॉर अ स्टार्ट हम डोमेस्टिक पे मार्कअप लगाएंगे। अमाउंट टाइप में आपको फिक्स्ड और परसेंटेज दो ऑप्शन मिलेंगे। जनरली ज़्यादातर लोग फिक्स बेसिस पे ही मार्कअप लगाना प्रेफर करते हैं, लेकिन आप परसेंटेज वाइज भी लगा सकते हैं। पहली बार के लिए हम फिक्स पे लगाते हैं और मान लीजिए हमने 300 रुपीज का मार्कअप लगाना है तो 300 रुपीज हम इसमें वैल्यू में डालते हैं। हम इसमें एयरलाइन वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा अगर चाहते हैं कि एयर एशिया के लिए हम मार्कअप ज़्यादा लगाना चाहते हैं और गोएयर के लिए कम लगाना चाहते हैं या गोएयर में नहीं लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उस एयरलाइन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो हम बाकी एयरलाइंस को यहाँ पर एंटर करेंगे और एक पर्टिकुलर एयरलाइन को एक्सक्लूड करके भी चल सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसमें ऑल एयरलाइंस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आएगा, उसको रहने देते हैं। और पैक्स टाइप में अडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट तीन ऑप्शन आ गए हैं। इसमें हम मान लीजिए तीन सेम अमाउंट तीनों पे लगाना चाहते हैं अगर, तो तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ अडल्ट और चाइल्ड पे लगाना चाहते हैं, इन्फेंट पे 300 रुपीज नहीं लगाना चाहते तो इन्फेंट को छोड़ देते हैं। तो हम इस केस में सिर्फ अडल्ट और चाइल्ड पे लगा के सबमिट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये देख पा रहे हैं कि मार्कअप क्रिएट हुआ है, इसमें क्रिएटेड डेट आ गई है, टाइम आ गई है, प्रोडक्ट एयर दिखा रहा है, मार्कअप टाइप डोमेस्टिक, एयरलाइन ऑल एयरलाइंस, पैक्स टाइप ए कॉमा सी, इसका मतलब है एडल्ट कॉमा चाइल्ड, अमाउंट टाइप फिक्स्ड, वैल्यू 300 रुपीज, एंड डिलीट का बटन दिया, एक्शन का बटन भी दिया, एडिट करने का ऑप्शन है हमारे पास में। यहाँ पे हम एक नया मार्कअप और एक क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल के लिए। अब इसमें फिर से हमने प्रोडक्ट टाइप में एयर सेलेक्ट किया, मार्कअप टाइप में हमने इंटरनेशनल सेलेक्ट किया, अमाउंट टाइप में हमने फिक्स्ड सेलेक्ट किया और वैल्यू हमने 500 रुपीज रखी इंटरनेशनल के लिए। एयरलाइंस ऑल किया हमने, एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट तीनों पे हमने 500 रुपीज का मार्कअप लगाना है, तो हम 500 रुपीज तीनों के लिए सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब ये इंटरनेशनल के लिए भी आप देख पा रहे हैं कि 500 रुपीज का मार्कअप क्रिएट हो गया है। हम इन्फेंट के लिए मान लीजिए 150 रुपीज का मार्कअप एक क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर से हम प्लस पे क्लिक करते हैं, एयर पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट टाइप में, मार्कअप टाइप में हम डोमेस्टिक क्लिक करते हैं, इंटरनेशनल के लिए ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इन्फेंट के लिए इसमें भी फिक्स्ड सिलेक्ट करते हैं, वैल्यू में हमने 150 का इन्फेंट का चार्जेस रखा है तो हमने 150 सिलेक्ट किया। सिंस ये हम सभी एयरलाइंस पे लगाना चाहते हैं तो एयरलाइंस ऑल रहने देते हैं। पैक्स टाइप में हम इन्फेंट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अडल्ट और चाइल्ड के लिए आप अपने पहले ही अपने लोग क्रिएट कर चुके हैं तो हम सिर्फ इन्फेंट का यहाँ पर मार्कअप क्रिएट कर रहे हैं।
सबमिट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो अब आप देख पाएंगे कि इन्फेंट के लिए भी एक मार्कअप क्रिएट हो गया है फ्रेंड्स, जो कि 150 रुपीज का है। तो अगर आप कोई इन्फेंट की बुकिंग करते हैं तो उसमें 150 रुपीज सर्विस चार्जेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पहले से हम जो मार्कअप लगा के रखना चाहते हैं ये उसके लिए हो गया। अब हम फ्लाइट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है कि हम किसी केस में मार्कअप ज्यादा या कम भी करना चाहे, तो वो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, वो हम यहां से देखते हैं। मान लीजिए हमने दिल्ली टू बैंगलोर के लिए कोई फ्लाइट सर्च करनी है, हमने सर्च किया दिल्ली टू बैंगलोर और एक डेट 20 अगस्त सेलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक किया। अभी सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सर्च रिजल्ट्स आ गए। अब आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर फेयर दिखाई दे रहे हैं। हम अगर फेयर पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें मार्कअप प्राइस को एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। हम यहाँ पर 300 रुपीज को मान लीजिए 400 रुपीज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी क्लिक करके भी बढ़ा सकते हैं और डायरेक्टली टाइप करके भी 400 कर सकते हैं। हम यहाँ से 400 हमने कर लिया। अब ये 400 रुपीज सिर्फ हम स्पाइसजेट की इस फेयर टाइप में करना चाहते हैं या सभी पे करना चाहते हैं? तो मान लीजिए हम अगर सिर्फ इस पे करना चाहते हैं तो अपडेट पे क्लिक करना है, अगर सारे टाइप के फेयर पे हमने 100 रुपीज का एडिशन करना है तो अपडेट ऑल करना है। तो इस केस में अपडेट ऑल करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स 5310 का फेयर आपका चेंज होकर 5410 हो जाएगा। 100 रुपीज क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि 300 रुपीज ऑलरेडी मार्कअप लगा हुआ है, अब 300 को हम 400 कर रहे हैं, तो अपडेट ऑल पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स अभी ये 5410 हो गया है, तो सारे फेयर पे मार्कअप 300 की बजाय अभी 400 रुपीज हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका नेट फेयर देखना चाहते हैं तो नेट फेयर पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आपको इसका नेट फेयर दिखाई देगा। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम बुक पे क्लिक करते हैं। बुक पे क्लिक करने के बाद में जो पेज आएगा जिसमें कि आपका फेयर डिटेल्स दिए हुए रहेंगे, तो उस पेज पे भी हम मार्कअप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर कहाँ से एडिट होगा फ्रेंड्स, ये देखिए आपका जो फेयर समरी है वहां पे टैक्सेस एंड फीस के बगल में ये जो चेंज मार्कअप का आइकन दिया हुआ है इस पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए हम इसे 300 करना चाहते हैं, तो हम इसको टाइप करके 300 भी कर सकते हैं और अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो ये फेयर 100 रुपीज कम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस पेज पे हम मार्कअप एडिट कर सकते हैं। एड पैसेंजर वाली स्क्रीन पे जाएंगे तो उस पेज में भी आप मार्कअप यहीं से एडिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप मार्कअप को आफ्टर द टिकट हैज बीन बुक्ड भी आप टिकट का मार्कअप एडिट कर सकते हैं। बुकिंग करने के बाद भी आप अपना मार्कअप चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको मार्कअप का सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी असुविधा हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं जो कि 8101011011 है, या आप हमें support@tripmaza.com पे ईमेल भी कर सकते हैं।